पीक डिमांड जो होती थी समाजवादी पार्टी की सरकार के समय वह 12,300 मेगावाट की होती थी, और 2023 में जहां हम लोग हैं आज पीक में डिमांड है 28,284 मेगावाट। यानी ये दिखाती है कि पिछली सरकार के पास विकास का कोई अपना एजेंडा नहीं था, व्यक्तिगत एजेंडा था, व्यक्तिगत एजेंडा परिवार का एजेंडा था। और आएंगे ना बहुत बहुत सारी जगह आऊंगा मैं उस पर भी, अभी उस पर भी आ रहा हूं महोदय। इसके अलावा प्रदेश के अंदर जो पावर सप्लाई में जो लॉस था उस लॉस को भी काफी कम किया गया। यानी 2017 के पहले ये लगभग 22% था, और 2017 के पहले आज 2023 में जब हम लोग आए हैं ये लगभग 17% के आसपास है। ये चीजें दिखाती हैं कि सरकार के स्तर पर कुछ रिफॉर्म भी हो रहे हैं और कार्रवाई आगे बढ़ रही है। अगर हम प्रदेश के अंदर बिजली के मीटर की भी व्यवस्था देखेंगे तो पहले 2017 के पहले 1,08,00,000 विद्युत के मीटर थे, आज 3,27,00,000 से अधिक विद्युत के मीटर भी संयोजित किए गए हैं और इनकी कार्रवाई आगे बढ़ रही है। महोदय, अगर प्रदेश के अंदर अगर हम लोग प्रदेश के अंदर इस कार्रवाई को आगे देखेंगे तो विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में 12 से 17 के बीच में 4,839 मेगावाट के विद्युत के उत्पादन की क्षमता इन लोगों ने अर्जित की थी, और इस समय हम लोगों ने अर्जित की है 5,820 मेगावाट, और साथ साथ 1600 मेगावाट के ओबरा तापीय परियोजना को हम लोगों ने आगे बढ़ाने की कार्रवाई को भी एनटीपीसी के साथ प्रारंभ की है। हमारा अनुमान है कि हम लोग बहुत शीघ्र इस परियोजना को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे और प्रदेश की आने वाली आवश्यकताओं की पूर्ति करने में ये इकाइयां महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करेंगे। प्रदेश के अन्नदाता किसानों की ये चर्चा कर रहे थे, महोदय अन्नदाता किसान की जो स्थिति है प्रदेश के अंदर, मुझे आश्चर्य होता है एमएसपी क्या होता है नेता विरोधी दल को संभवतः मालूम नहीं होगा, मालूम होना चाहिए सिपाल जी, थोड़ा आपको बढ़ाना बताना चाहिए था। महोदय देखिए, धान 2014 में जो कह रहे थे कि कितना दाम बढ़ा है, और उस समय की स्थिति क्या थी 2014-15 में ही मैं देखता हूं, धान की जो एमएसपी थी वह थी 1,360 रुपये धान सामान्य में। शिवपाल जी आप इसके बारे में कुछ जानकारी रखते होंगे, आप थोड़ा सुन लीजिए। आज महोदय उसी धान की एमएसपी 2324 में सरकार ने 1,360 की बजाय 2,183 रुपये सीधे किसानों को दिए। हाँ मैं आऊंगा उस पर भी, मैं उस पर भी आ रहा हूं, मैं आ रहा हूं। धान ग्रेड ये 1400 एमएसपी थी और आज 2,203 रुपया वर्तमान में दी जा रही है। ज्वार हाइब्रिड 1530
वर्मा जी नोट करिए 1530, हाँ पर नोट कर लीजिए ना आपके लिए, 3180 रुपये, 3180, 1530 का 3180 रुपया ज्वार, 1550 ये मलडंडी जो है, 1550 ये 14-15 में था, आज इसका एमएसपी दिया जा रहा है 3225 रुपया। बाजरा, बाजरा खाएंगे सेहत ठीक होगी, 1250 इसका एमएसपी था, आज पैसा दिया जा रहा है 2500 रुपया, दोगुना नहीं है क्या। मक्का, इनके समय में मक्का का दाम दिया जाता था, वह भी प्रक्यूर नहीं किया जाता था, मक्का का प्रक्यूरमेंट हमारी डबल इंजन की सरकार ने प्रारंभ किया था, समाजवादी पार्टी सरकार ने नहीं। अभी आता हूं उसको।